पेट्रोलियम होम्योपैथिक दवा कौन कौन सी बीमारी में काम करता है, किस तरह का लक्षण दिखाई दे तो यह दवा का प्रयोग करना चाहिए, तो दोस्तों आज सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, आप लोग को हमेशा याद रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा YouTube चैनल मेडिसिन जीके में। दोस्तों अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर आप मैसेज करें। ठंडी की महीनों में रोग बढ़ जाता है। चर्म रोग में यह दवा का बहुत ही बढ़िया लक्षण है कि ठंडी की महीनों में चर्म रोग बढ़ जाता है। या नाना प्रकार के चर्म रोग ठंडी के महीनों में हो जाता है और गर्मी के दिनों में अपने आप ही खत्म हो जाता है। ठंडी के महीनों में चर्म रोग बढ़ जाता है या नाना प्रकार के चर्म रोग हो जाता है ठंडी के महीनों में और गर्मी के दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाता है, तो दोस्तों आप पेट्रोलियम दवा का प्रयोग करें। शरीर के किसी भी जगह पर चर्म रोग सिर्फ ठंडी के महीनों में होता है और गर्मी के दिनों में अपने आप ही खत्म हो जाता है, अपने आप ही ठीक हो जाता है, तो दोस्तों आप पेट्रोलियम 200 दवा का प्रयोग करें। पेट्रोलियम 200 दवा को दो दो बूंद सुबह शाम पीने के लिए दे, बहुत जल्दी चर्म रोग समाप्त हो जाएगा जो सिर्फ ठंडी के महीनों में होता है और गर्मी के दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है। किसी भी तरह का चर्म रोग हो जो सिर्फ ठंडी के महीनों में होता है और गर्मी के दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाता है, उस समय आप पेट्रोलियम दवा का प्रयोग करें। अपने घर की गलियों का रास्ता भूल जाता है। रोगी सोचता है कि शरीर का अंग डबल हो गया है, हाथ चार हो गया है, पैर भी चार हो गया है, उसे लगता है कि उसके बगल में कोई दूसरा व्यक्ति सोया हुआ है। अपनी ही धुन में बोलते रहता है कि उसका एक बच्चा नहीं बल्कि दो बच्चा हुआ है और वह दोनों बच्चों को संभाल रहा है, देख रहे हैं ना, हम दोनों बच्चों को संभाल रहा है, इस तरह की बातें करते रहेगा। उसको लगेगा कि हमारा शरीर का अंग डबल हो गया है, हाथ चार गो हो गया है, पैर भी चार गो हो गया है, इस तरह का लक्षण रहेगा मानसिक लक्षण में, तब आप पेट्रोलियम दवा का प्रयोग करें। उठते ही सिर में चक्कर आने लगता है, माथे के पिछले भाग में दर्द रहता है और माथा भारी मालूम होता है, लगता है जैसे माथा भारी है, तो दोस्तों आप पेट्रोलियम दवा का प्रयोग करें। पेट्रोलियम 30 दवा को दो दो बूंद सुबह शाम पीने के लिए दे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। शरीर के किसी भी जगह का त्वचा फट रहा है, हाथ पैर या कहीं पर का त्वचा फट रहा है और वह त्वचा सिर्फ ठंडी के महीनों में फटता है और गर्मी के दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाता है। ठंडी के महीनों में शरीर का त्वचा फटने लगता है, हाथ पैर का त्वचा फटने लगता है और गर्मी के दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाता है, तो दोस्तों आप पेट्रोलियम दवा का प्रयोग करें। पेट्रोलियम 200 दवा को दो दो बूंद सुबह शाम पीने के लिए दे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जो सिर्फ ठंडी के महीनों में शरीर का त्वचा फटता है और गर्मी के दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाता है, उस समय आप पेट्रोलियम दवा का प्रयोग करें। पेट दर्द, पेट खाली होते ही दर्द बढ़ जाता है और कुछ खाने पीने पर पेट दर्द कुछ समय के लिए आराम हो जाता है, तो दोस्तों आप पेट्रोलियम दवा का प्रयोग करें। पेट्रोलियम 30 दवा को दो दो बूंद सुबह शाम पीने के लिए दे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जो कुछ खाने पीने पर पेट दर्द आराम हो जाता है, कुछ देर के लिए पेट दर्द आराम हो जाता है, पेट खाली होते ही दर्द करने लगता है और जब कुछ खा पी लीजिएगा तो कुछ देर के लिए पेट दर्द आराम हो जाएगा, तो दोस्तों उस समय आप पेट्रोलियम दवा का प्रयोग। हाथ पैर का चमड़ा रूखा सूखा सा हो गया है और वह सिर्फ ठंडी के महीनों में होता है, गर्मी के दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ठंडी के महीनों में हाथ पैर का चमड़ा एकदम रूखा सूखा सा हो जाएगा, जैसे चमड़ रोग हो गया है उस तरह का लक्षण दिखाई देगा और वह सिर्फ ठंडी के महीनों में दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों आप पेट्रोलियम दवा का प्रयोग करें। पेट्रोलियम 200 दवा को दो दो बूंद सुबह शाम पीने के लिए दे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। दस्त दिन भर होता है, दिन भर दस्त होगा और रात में अपने आप ही बंद हो जाएगा, दिन भर दस्त होगा और रात में बंद हो जाता है दस्त, तो दोस्तों आप पेट्रोलियम दवा का प्रयोग करें, दस्त होना बंद हो जाएगा। पेशाब की बीमारी, मूत्राशय कमजोर की वजह से अनजाने में ही पेशाब हो जाता है, अनजाने में ही पेशाब निकल जाता है, बिछावन में रात कर पेशाब हो जाता है, बूंद बूंद अनजाने में पेशाब गिरते रहता है और यह मूत्राशय की कमजोर की वजह से हो जाता है। जब मूत्राशय कमजोर हो गया जिसके वजह से अनजाने में पेशाब हो जाता है, रात में सोएंगे तो बिछावन पर पेशाब हो जाएगा, बूंद बूंद पेशाब होते रहता है, तो दोस्तों आप पेट्रोलियम दवा का प्रयोग करें। पेट्रोलियम 200 दवा को दो दो बूंद सुबह शाम पीने के लिए दे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हाथ के हथेली और पैर के तलवों में जलन रहता है और हथेली और तलवे गर्म रहते हैं, गर्म और जलन रहता है हाथ की हथेली या पैर के तलवे, तो दोस्तों आप पेट्रोलियम दवा का प्रयोग करें। पेट्रोलियम 200 दवा को दो दो बूंद सुबह शाम पीने के लिए दे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कान के अंदर में या कान के पीछे एक्जिमा हो गया है, बहुत खुजली होता है, तो दोस्तों आप पेट्रोलियम दवा का प्रयोग करें। पेट्रोलियम 30 दवा को दो दो बूंद सुबह शाम पीने के लिए दे, बहुत जल्दी एक्जिमा समाप्त हो जाएगा। दोस्तों हमने जितने भी लक्षण के बारे में बताए हैं यह सभी लक्षण पेट्रोलियम दवा का लक्षण है, तो दोस्तों यह वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया गया था। वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी अच्छी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी आप